दोस्तों, आज के आई फैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे कि एज अ बिगिनर यूट्यूबर आपको हफ्ते में या महीने में कितनी वीडियोस अपलोड करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं जी आज का वीडियो ट्यूटोरियल। अगर तो आप नए यूट्यूबर हैं और आप अपने चैनल को चलाना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हफ्ते में 2 से 3 वीडियोस कम से कम अपलोड करें। और जब आप वीडियो अपलोड करें तो उसको स्केड्यूल के मुताबिक करें। लेट सपोज एक वीडियो आप मंडे को अपलोड करते हैं, दूसरी वीडियो आप वेनेसडे को अपलोड करते हैं और तीसरी वीडियो आप फ्राइडे को अपलोड करते हैं। तो आप इस स्केड्यूल को फॉलो करने की कोशिश करें ताकि व्यूअर्स जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनको मिलता रहे। बहुत से लोग ये भी डिस्कस करते हैं आगे चल के कि यार मैं तो जानता हूँ ऐसे यूट्यूबर्स को, ऐसे कॉमेडियंस को, बीबी की वाइंस को, कैरी मेनाटी को या फिर और बहुत से यूट्यूबर्स को जो कि शायद 2-2 या 3-3 महीने बाद वीडियो अपलोड करते हैं और वो बहुत ही सक्सेसफुल यूट्यूबर्स हैं। इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन उनके अब व्यूअर्स बन चुके हैं और मतलब एवरेज यूट्यूबर, एवरेज हमने अगर अपने चैनल को चलाना है, कंपटीशन के साथ हमने कम्पीट करना है, क्योंकि टॉप यूट्यूबर्स के बाद एक एवरेज यूट्यूबर्स की बहुत ही ज़्यादा क्रस्ट आती है जिसमें बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स हैं और वो सब लोग व्यूज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो अगर तो आपने भी व्यूज़ लाना चाहते हैं अपनी वीडियोस पे, तो आप कम से कम 2 से 3 दफ़ा हफ्ते में ज़रूर अपलोड करें, स्केड्यूलिंग करें। अगर आपको लगता है कि आपकी वीडियो बनाना मुश्किल है, तो आप हफ्ते में 1 दिन भी वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, लेकिन फिर उसको भी यही है कि अगर आपने 9 बजे सुबह ट्यूसडे को अपलोड करनी है, व्यूअर्स अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि आप 9 बजे ही उसको अपलोड करें या स्केड्यूल कर दें रात को सोने से पहले। इसके साथ साथ ये है कि आप सोचेंगे कि वीडियो की लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके एक एवरेज वीडियो की लेंथ जो कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर सके, जो ऑडियंस की रिटेंशन को गेन कर सके और आपके लिए फ़ायदा पहुँचा सके, तो अगर तो आप ये जानना चाहते हैं तो ये लिंक इस वक्त आई बटन में आ रहा है, इसको क्लिक करें और आपको पता चल जाएगा कि एवरेज वीडियो लेंथ कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस था जो कि मैंने यूट्यूब के ऊपर काम करके सीखा है। ये ऑफिशियल गाइडलाइन नहीं है। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। अंटिल देन, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉयिंग, गुड डे।